सो थैंक यू सो मच गाइज, आपने कल फिर से अपना यहाँ पे 600-700 अराउंड कमेंट किया हमारे वीडियो के ऊपर। तो गाइज जिस वीडियो के अंदर मैं बोलता हूँ आप लोग उस वीडियो के अंदर काफ़ी भर भर के अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते हो। तो गाइज अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखना, क्योंकि मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको 30-20 सेकंड जो भी होता हो तो गाइज उसके अंदर मैं आपको फीचर कर देता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई शॉर्ट आउट दे दिया करो, तो भाई इसी वजह से गाइज यहाँ पे मैं थोड़े लोगों का कमेंट दिखा देता हूँ एंड छोटा सा क्रेडिट दे देता हूँ आप लोग कितने प्यार और सपोर्ट के लिए। ठीक है, सो हेलो माय डियर टू फैमिली, कैसे आप सभी लोग एंड आई होप गाइस सभी लोग बढ़िया हो गए एंड आप लोग आगे बढ़े हैं ना। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं जो हमारे गेम के अंदर दो रेयर इमोट है, जो कि लव वाला इमोट एंड फ्लावर ऑफ लव वाला इमोट, जो कि दो इमोट आपको देखने मिलते हैं। तो गाइस आपको ये दोनों इमोट हमारे गेम के अंदर कौन से इवेंट के अंदर देखने मिलेंगे, बाहर के सर्वे के ऊपर कौन से वेब इवेंट के अंदर आए हुए हैं, कौन से डिस्काउंट इवेंट वो वाला, तो गाइस आज की वीडियो के अंदर उसका फुल रिव्यू करेंगे एंड हमारे इंडियन सर्वे के ऊपर कब तक आएगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड उसी के साथ गाइस यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत सारी डिटेल जानने को मिलेंगे हमारे न्यू इवेंट से रिलेटेड, जो कि आपको हमारे गेम के अंदर काफी जल्दी देखने मिलने वाले हैं। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को मिस मत करना, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, बिना स्किप किए देखना, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सारी अच्छी अच्छी डिटेल्स आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है, सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर से करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी सेट करना एंड आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट कर दे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो, ताकि वीडियो को ज्यादा रीच मिले। ठीक है, सो यार चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं गाइस, आपको सबसे पहला इवेंट के रिवॉर्ड दिखाने वाले हैं, जो कि न्यू कोलैबोरेशन के रिवॉर्ड होने वाला है, जो कि अटैक ऑन टाइटन नाम से आपको देखने मिल जाएगा हमारे गेम के अंदर काफी जल्दी। तो गाइस इस कोलैबोरेशन के अंदर आपको ये वाला बंडल देखने मिलेगा, जो कि यार एक नंबर का खटारा बंडल लग रहा है, अलग से डिजाइन है भाई इसके बारे में, बहुत बेकार बंडल लग रहा है। ठीक है, आप बताना गाइस कमेंट सेक्शन के अंदर कि गाइस आपको कैसा लग रहा है। भाई देखो जो अच्छी चीज रहेगी वहां पे अप्रिशिएट करेंगे, जो बेकार चीज रहेंगी वहां पे उनको मतलब बुराई करेंगे। तो भाई यहाँ पे मेरे को तो पर्सनली बंडल अच्छा नहीं लगा एंड आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपको ये वाला बंडल हमारे अटैक ऑन टाइटन नाम के कोलैबोरेशन के ऊपर देखने को मिलेगा एंड उस कोलैबोरेशन की आपको जल्दी ही लोडिंग स्क्रीन वगैरह अवेलेबल हो जाएगी गेम के अंदर। तो गाइस यहां पे मे बी वो फरवरी के लास्ट वीक से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अभी उसका कंफर्मेशन नहीं है, बाद में मैं आपको बता दूंगा, बट आप लोग यहां पे इसके रिवॉर्ड वगैरह देखो, उसके बाद के जो सेकंड रिवॉर्ड निकल के आता है वो ये वाला बंडल है। तो भाई इस बंडल का भी भाई बहुत बेकार सा बंडल लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख लो भाई कुछ इस टाइप का आपको बंडल देखने को मिलेगा एंड इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, उसको तो ड्रेस ही नहीं पहनाया गया भाई, मैं क्या बोलूं इस बंडल के बारे में, जंगली टाइप का आदिवासी टाइप का बंडल है भाई। यहां पे मेरे को उतना कुछ खास नहीं लगा इस बंडल के अंदर, आप लोगों को इसमें क्या यूनिक लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है मेरे को बताना जरूर से। एंड अगर आप लोग ये वाला जो बंडल है आएगा जब भी हमारे गेम के अंदर, तो आप लोग उसको लोए कि नहीं वो भी जरूर से कमेंट करके बताएगा। मैं तो भाई इधर कोई भी बंडल नहीं निकालने वाला हूं एंड मैं आप लोग को भी प्रेफर करूंगा गेम के अंदर डायमंड वगैरह कम लगाया करो। ठीक है, सो चलिए गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे आगे वीडियो के अंदर। तो गाइस अभी जो मैं आपको पीछे स्क्रीन पे आपको यहाँ पे जो लॉबी दिखा रहा हूँ, तो भाई काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई वाले जो लॉबी वो हमारे गेम के अंदर कब देखने मिलेगी, इस टाइप का मतलब जो डिजाइन वगैरह देखने मिल रहा है आपको घर वाले वो कब तक देखने मिलेगा। तो देखो उन लोग को मैं क्लियर करना चाहूंगा गाइस, ये जो डिजाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमारे फ्री फायर मैक्स की होने वाली, हमारे अभी गेम के अंदर नहीं आपको देखने मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि गाइस ये फ्री फायर मैक्स के लिए आपको कुछ यूट्यूबर्स ऐसा बोले थे कि आपको देखने मिलेगा हमारे गेम के अंदर, ऐसा सब बोला जा रहा था आप लोगों को, बट ऐसा नहीं है भाई, ये फ्री फायर मैक्स है। मैंने भी आपसे जब बता रहा था तो बोला था कि भाई हो सकता है ये फ्री फायर मैक्स हो या तो हमारे गेम के डाला जाए, बट अभी कंफर्म हो चुका है फ्री फायर मैक्स और हमारे गेम के अंदर इसको नहीं डाला जाएगा। तो गाइस अभी बिल्कुल न्यू स्कार्फ हमारे सामने निकल के आ रहा है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई कुछ इस टाइप का आपको स्कार्फ हम गेम के अंदर देखने मिल जाएगा। तो भाई ये एसके सबीर का जो कि स्कार्फ आप लोग जानते हो भाई, एसके सबीर कौन है, जो कि हमारे गेम के एक लीजेंड टाइप का प्लेयर है, जो कि कुछ भी बोल रहे। ठीक है, तो भाई आपको यहाँ पे स्कार्फ को डिनोट करना चाहता हूँ, तो आप लोग को यहाँ पे इनके स्कार्फ की काफी डिमांड थी, सो उसी से कुछ मिलता जुलता आपको स्कार्फ हमारे गेम के अंदर काफी जल्दी देखने मिलने वाला है। एंड ऐसी पॉसिबिलिटी से गाइस आपको यहाँ पे कोई वेब इवेंट के अंदर ये वाला देखने मिले, जहाँ पे आपको डायमंड से देखने मिलेगा, फ्री में आपको बिल्कुल भी नहीं देखने मिलेगा। तो गाइस हमारे बाहर के सर्वर के ऊपर एक न्यू फेडेड व्हील इवेंट देखने में मिला, जो कि मैं आपको स्क्रीन के सामने दिखा रहा हूं। तो आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे जो गन स्किन वगैरह आपको देखने मिल जाएगी हमारे गेम के अंदर। बेसिकली तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो थॉमसन वाली गन की स्किन है एंड AWM की स्किन है, तो शायद से थॉमसन की लेजेंडरी ना हो, बट यहाँ पे जो AWM की गन की स्किन मैं आपको दिखा रहा हूँ लेजेंडरी गन की स्किन है, यहाँ पे आपको एनिमेशन देखने मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो भाई आपको ये वाली गन की स्किन हमारे गेम के अंदर, ये दोनों गन की स्किन कोई इवेंट या वेब इवेंट के अंदर डाली जा सकती है, इसके फेडेड व्हील इवेंट के अंदर आने के बहुत कम चांसेस है। बाहर के सर्वे के ऊपर इवेंट आया तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा दे जाए, बाकी आप लोग क्या चाहते हो ये दोनों अगर आएगी ये वाली AWM एंड गाइस यहाँ पे जो थॉमसन गन की स्किन मैंने आपको दिखाई, अगर आएगी तो आप लोग निकालो कि नहीं वो मेरे को जरूर से जरूर बताइएगा।
तो गाइज अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, तो गाइज यहाँ पे कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया, मतलब कल ही वाले वीडियो के अंदर मैंने आपसे बोला था कि भाई यहाँ पे जो आपको यहाँ पे स्पेशल एयर ड्रॉप के अंदर यहाँ पे थ्रोन इमोट एंड बहुत सारे इमोट्स वगैरह आ रहे, रेयर आइटम्स आ रहे, एलीट पास वगैरह आ रहा है, तो क्या गाइज आपको उसकी ट्रिक चाहिए कि नहीं मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएगा। मैं उसकी ट्रिक वाली जो वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा जिसको आप लोग देख के यहाँ पे थ्रोन वाला इमोट जो है स्पेशल एयर ड्रॉप के अंदर ला पाओगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर से मेरे को बता देना कि हाँ भाई उसकी ट्रिक लेते हो, ठीक है। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑलवेज सेट कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए डेली ऐसे फ्री फायर की अपडेट से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, तो सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोग जरूर से कर लिए हो। तो गाइस अभी हमारे सामने निकल के आता है न्यू बंडल जो कि मैं आपको स्क्रीन के सामने दिखा रहा हूँ। तो गाइस बात करें इस बंडल के बारे में तो अच्छा लग रहा है देखने में बंडल, तो गाइस आपको इसका जैकेट वगैरह देखने मिल जाएगा कुछ इस टाइप से जो कि अच्छा लुक देगा इसको, एंड उसके बाद गाइस इसका जो पैंट होने वाला आपको कुछ इस टाइप से देखने मिल जाएगा, साथ में गाइस इसका शूज ऐसा होगा, एंड उसके बाद इसमें चश्मा वगैरह काफी अजीब सा लग रहा है देखने में। तो भाई ठीक ठाक बंडल है, एवरेज बंडल है, बाकी आप बताना गाइस आप आएगा तो उसको निकालोगे कि नहीं वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ही होगा। एंड उसके बाद ही गाइस इसका हेयर्स मेरे को बहुत ज्यादा ओपी लगा, इसमें से गाइस आपको क्या कुछ बढ़िया लगा मेरे को बताना एंड कैसा लग रहा है बंडल वो जरूर से जरूर कमेंट करके जाना। तो गाइस ये वाला जो बंडल है आपको काफी जल्दी हमारे गेम के अंदर देखने मिल जाएगा, तो कौन कौन इसके लिए एक्साइटेड है वो मेरे को बता देना, ठीक है। एंड उसी के साथ गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे गेम के अंदर आपको डायनेमिक ड्यूओ नाम का एक यहाँ पे न्यू सिस्टम देखने मिलने वाला है जो कि 9 फरवरी से अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइस इस सिस्टम को मैंने पहले एक्सप्लेन करके रखा हुआ, इस वीडियो के अंदर कवर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो भाई आपको ये जो है ये जो सिस्टम है आपको 9 फरवरी से अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस हमारे गेम के अंदर आपको जल्दी ही देखने मिलने वाला है न्यू कोलैबोरेशन जिसका नाम होगा कोबरा कोलैबोरेशन। तो गाइस उसका यहाँ पे एक न्यू बाइक स्किन आपको देखने मिल जाएगी जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये बाइक स्किन जो होने वाली है काफी हद तक गाइस मेरे को बहुत बढ़िया लग रही देखने में, इसकी जो डिजाइन वगैरह दी गई है बहुत अलग सा लुक दे रही है इसको। तो भाई आपको ये जो बाइक स्किन हमारे कोबरा इवेंट के अंदर कोई वेब इवेंट वगैरह के अंदर देखने मिल सकती है या तो गाइस आपको टॉपअप इवेंट के अंदर अवेलेबल करवाई जा सकती है। एंड हाँ गाइस काफी सारे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे मेरे से भाई कोबरा इवेंट के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाओ, डेडिकेटेड वीडियो बनाओ, उसके अंदर क्या फ्री रिवॉर्ड देखने मिलेंगे एंड कौन से रिवॉर्ड यहाँ पे डायमंड से हमें देखने मिलेंगे तो वो बता दो। तो गाइस गाइस उसके लिए आपके लिए जल्दी वीडियो आ जाएगी, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो, मैं सारी वीडियोज यहाँ पे जितने भी टॉपिक है यहाँ पे मैं उसको कवर कर लूंगा, ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग बात करने वाले हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले रोज इमोट के बारे में एंड लव इमोट के बारे में, ठीक है। तो गाइस अभी चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पार्क सर्वे के ऊपर कौन सा इवेंट चल रहा है। तो गाइज यहाँ पे अगर आप लोग पुराने प्लेयर लोगे तो आपको याद होगा गिफ्ट 1+ गेट 1 फ्री वाला जो एक इवेंट है वो गाइज आपको बहुत टाइम पहले हमारे गेम के अंदर देखने मिला था। तो गाइज ये जो इवेंट हमारे बाहर के सर्वे के ऊपर आया हुआ है इस इवेंट के अंदर गाइज आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे इमोटी के, तो पहले हम यहाँ पे इस इवेंट को समझा देते हैं क्या कुछ करना होता है। तो देखो गाइज यहाँ पे अगर आपको कोई चीज परचेज करनी होगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने फ्रेंड की वाई डालनी पड़ेगी एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। वेरीफाई करके गाइज आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, अगर आपके पास डायमंड होंगे तो आपके डायमंड कट जाएंगे एंड जो कुछ रिवॉर्ड लोग परचेज करोगे तो गाइस आपको देखने मिलेंगे और उसके बाद गाइस वो रिवॉर्ड आपके फ्रेंड को भी देखने मिलेंगे। मतलब गाइस मैं आपको बता दूं जैसे मैं एक बैकपैक खरीदा हूं तो गाइस अगर मैं अपने फ्रेंड की वाली डालूंगा तो उसके अकाउंट के भी अंदर बैकपैक चला जाएगा एंड मेरे अकाउंट के अंदर भी बैकपैक आ जाएगा, जो भी एक इसका अमाउंट होगा डायमंड का उसके अंदर आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई इस टाइप का इवेंट बहुत ज्यादा ओपी होता है जिससे गाइस आप और अपने आपके फ्रेंड की बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी इस इवेंट में, ठीक है। तो भाई यहां पे आपको देखने मिल रहा था रोज इमोट जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा बोल रहे थे कि रोज इमोट आपको देखने मिल जाएगा वाले इवेंट के अंदर, ये वाला इवेंट हमारे सर्वर के ऊपर आने वाला है। तो देखो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे कहना है गाइस, अगर आप मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो रोज वाला इमोट है कोई भी ऐसे इवेंट के अंदर नहीं आएगा जिसमें आपको मतलब कि आपको फायदा देखने मिले, कोई भी ऐसा इवेंट गई ना देगी जिसमें गाइस आपको ज्यादा ज्यादा डायमंड स्पेंड करना पड़े एंड गई ना उधर से प्रॉफिट हो, ठीक है। तो भाई बहुत कम सर्वे के लिए होता है जहां पे ऐसे आपको इवेंट देखने मिल जाए जहां पे कम डायमंड लगे, यहां पे तो आपको इमोट डिस्काउंट भी देखने मिल रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है एंड लव इमोट भी आपको अभी ऐसे कोई डिस्काउंट इवेंट के अंदर नहीं देखने मिलेगा जिसमें गाइस आपको ऐसे डायमंड स्पेंड करना हो। उसके बाद ही गाइस मैं आपको एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा, यहां पे और सारे भी बहुत इवेंट है जो कि बाहर के सर्वे के ऊपर आए, लाइक जैसे कि स्कार्फ वाला इमोट एंड गाइस यहाँ पे फ्लावर और फ्लावर वाला इमोट, साथ में गाइस यहाँ पे हर्ट आई हर्ट वाला इमोट बहुत सारे इवेंट में आए हैं। तो गाइस वो इवेंट के रिव्यू मैं आपको बाद में कर दूंगा, जरूर से कर दूंगा, वीडियो बना के कर दूंगा, ठीक है। तो गाइस आप लोग टेंशन ना लेना, बाकी मैंने आपको बता दिया जो गिफ्ट वाला इवेंट है इसके अंदर आपको नहीं देखने मिलेगा। बात कर लेंगे इसके डेट के बारे में, तो गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट वेब इवेंट आने वाला है या उसके अगला वेब इवेंट आने वाला है उस वेब इवेंट के अंदर आपको डाला जा सकता है एंड अगर तब भी नहीं आता तो आपको 11 से लेकर 18 के बीच में 11 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में आपको जरूर से ये दोनों इमोट अवेलेबल हो जाएगा। बाकी डिटेल्स हम आपको जरूर से दूसरी वीडियोस में दे देंगे, आप लोग कोई भी टाइप की टेंशन ना लो, आपको सब कुछ क्लियर करेंगे यहाँ पे, सब कुछ आपको जेन्युइन चीजें मैं आपको दूंगा। तो गाइज आपको करना क्या है, वीडियो कहीं पे एंड करने वाले हैं तो गाइज आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बगल में बेल आइकन आता है उसको ऑलवेज सेट कर लो, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना एंड जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। सो यार चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।